Hello everyone, welcome to Insta Classes. In today's session we are going to discuss one important problem on Mohr Circle, that is in the SOM. So let's start with this question. A rectangular block of material is subjected to the tensile stress. अपना तरीका क्या है solve करने का? Mohr Circle से सबसे best easily तरीके से ये question जो है solve हो जाते हैं. सबसे पहले 2D stress diagram बनाओ. तो question के अंदर एक plane पर जो stress लग रही है वो 100 Newton per mm square का tensile लग रहा है. तो tensile का sign convention कैसा है? Positive है. ठीक है, पॉजिटिव है. और दूसरी जगह पर दूसरे प्लेन पर जो कि परपेंडिकुलर है वहां पर भी टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. ठीक है, 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. आपस में जो इनके बीच में एंगल है वो 90 डिग्री है. ठीक है, तो मोहर सर्किल में डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट आते हैं क्योंकि सेंटर पर डबल एंगल यानी कि 180 डिग्री बनता है. क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन पर चलते हैं. टुगेदर विद द शियर स्ट्रेस ऑफ 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. अब क्वेश्चन के अंदर शियर स्ट्रेस भी मेंशन है. सो लेट्स टेक द शियर स्ट्रेस की यहाँ लगी 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. नीचे या ऊपर कहीं पर भी ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पर आपके पास में अगर इस प्लेन पर इस कॉर्नर से अवे की तरफ है तो यहाँ पर भी अवे होगा, तो दैट इज 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपकी शियर स्ट्रेस मेंशन है. मोहर सर्किल में अगर आपको मोहर सर्किल से सॉल्व करना है तो मोहर सर्किल में प्लॉट करने के लिए दो पॉइंट आपके पास में है. एक तो पॉइंट है 100, ये एंटी क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं तो ये -60 हो जाएगा. एंड आपके पास में है दिस इज 50. ठीक है, द सेकंड पॉइंट इज 50, 60. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स लेकर के मोहर सर्किल बनाया जा सकता है. सो लेट्स ड्रॉ द मोहर सर्किल. सो इस क्वेश्चन का जो मोहर सर्किल है सबसे पहले मोहर सर्किल बनाते हैं. मोहर सर्किल बनाया कैसे जाते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस ले लिया आपने एक्स एक्सिस पर, शियर स्ट्रेस ले लिया आपने वाई एक्सिस पर. दो पॉइंट जो प्लॉट करने हैं, एक तो 100, -60 है, तो 100 यहाँ ले लें तो 100, -60 एक तो पॉइंट ये मिल रहा है. ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको मिल रहा है, लेट सपोज कि 50 यहाँ है, तो 50 में आपका जो 60 पॉइंट आएगा वो इस जगह पर आएगा. इन दोनों को मिला दें. ठीक है, इन दोनों को मिला दें तो आपके पास में यहाँ पर सेंटर मिल जाएगा. ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द मोहर सर्किल. अब सेंटर ऑफ द मोहर सर्किल, इसको रेडियस लेते हुए एक सर्किल बनाया जा सकता है. ठीक है, यू कैन ड्रॉ दिस सर्किल. और मैंने बताया था आपको क्लासेस में भी कि आपके पास में इतना अच्छा डायग्राम नहीं बनता है सर्किल पॉइंट्स लेने के बाद में. पहले सर्किल बना लो, फिर पॉइंट मार्क करके दिखा दो. हमेशा मोहर सर्किल इस एक्सिस के अबाउट कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिस इज 100, -60 एक तो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपके पास में 50, 60 का है. ठीक है, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 75, 0 हो जाएगा. ठीक है, ये आपका जो मोहर सर्किल है इसको पॉल लेकर के हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर आपके पास में इस जगह पर यहाँ पर आपके पास में जो सेंटर पर एंगल बना इस एंगल का डबल बनता है, तो थीटा अगर कह दे तो ये 2θ है. तो यहाँ से आपके पास में मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट माइनर प्रिंसिपल प्लेन वाला है, दोनों निकाले जा सकते हैं. सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो रेडियस कैलकुलेट करते हैं मोहर सर्किल की. रेडियस कितनी होगी? क्योंकि अगर सेंटर पता है आपके पास में और ये पॉइंट पता है, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो. r = (100 - 75² + - 60 - 0) का स्क्वायर. तो यहाँ से रेडियस पता लग जाएगी, दैट इज 65 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. ठीक है, ये हर एक चीज स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है, तो रेडियस की जो वैल्यू आएगी मोहर सर्किल की वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यूनिट में आ रही है. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया था उस पर फोकस कर लेते हैं. द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. डायरेक्शन भी बतानी है, मैग्नीट्यूड भी बताना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेटेस्ट शियर स्ट्रेस. चलो ठीक है, रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली. ठीक है, यहाँ पर आपके पास में जो प्रिंसिपल प्लेन है उसको आइडेंटिफाई कर लिया. ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है और ये वाला माइनर प्रिंसिपल प्लेन है. तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन सेंटर से रेडियस अवे है, तो रेडियस अगर जोड़ दो एक्स कोऑर्डिनेट में तो मेजर स्ट्रेस आ जाएगी. ठीक है, तो मेजर यानी कि सिग्मा मैक्स निकालना हो तो सिग्मा मैक्स आ जाएगा आपका 75 सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 65. दिस इज 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. तो ये तो सिग्मा मैक्स हो गया. सिग्मा मिनिमम, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट -65. दिस इज 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. ये आपके पास में माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा. ठीक है, डायरेक्शंस पूछी है तो 2θ पर वर्क कर लेते हैं. तो ये जो ट्रायंगल आपको गिवन है, इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, सारी डायमेंशंस पता है आपको 2θ निकालने के लिए. ये 75 कोऑर्डिनेट एक्स और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 100 है, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी 25 हो गई, ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये 60 हो गई। तो यहाँ से आप tan टू थीटा रीड कर सकते हैं, tan टू थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 60 डिवाइडेड बाय 25 और थीटा आ जाएगा आपका। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन द थीटा कमिंग आउट टू बी 33.69 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन थीटा इज इतना। तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन आपका इतने एंगल पर यदि आ रहा है तो माइनर और मेजर के बीच में 90 डिग्री का एंगल का डिफरेंस रहता है। तो एक प्लेन आपका प्रिंसिपल प्लेन ये होगा और दूसरा प्रिंसिपल प्लेन, द सेकंड प्रिंसिपल प्लेन विल बी 8, ठीक है, विल बी 8 थीटा प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ से आप निकालें तो ये आ जाएगा 123.69 डिग्री। आपसे लोकेशन पूछी थी तो गिवन प्लेन से, ठीक है, जो 100 - 60 वाला प्लेन है उस प्लेन से 123.69 और 33.69 पर होगा। देखो डायरेक्शंस भी बता देता हूँ मैं आपका, ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो यूज़ कर लेंगे आप तो हर क्वेश्चन में ईजी रहेगा। जो 100 वाला प्लेन था वो ये वाला था। इस 100 वाले प्लेन से दो प्लेन आपने यहाँ पर निकाले हैं, एक तो इस डायरेक्शन में जाने पर मिला था, ये कैसे गए आप मोहर सर्किल में गए एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ चलेंगे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाने पर एक तो ये वाला प्लेन मिलेगा, ठीक है, कितने एंगल पर जो आपने निकाला था 33.69, तो 33.69 डिग्री पर एक तो जो आपको प्लेन मिला वो कौन सा प्लेन है, मेजर प्लेन है, और दो दूसरा प्लेन मिलेगा वो इससे 90 डिग्री एंगल पर मिलेगा। ये इस प्लेन को कह देंगे द माइनर प्रिंसिपल प्लेन। और ये कितने पर मिल रहा है, 90 और ऐड कर दो इसमें, तो इसकी लोकेशन इस गिवन प्लेन से कितनी है, 123.69 डिग्री है। आपको मार्क करना भी आना चाहिए। तो डायरेक्शंस हमने निकाल दी, मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के, मैग्नीट्यूड पूछा है ग्रेटेस्ट शीयर स्ट्रेस, तो टाउ मैक्स जो होता है वो मोहर सर्किल की रेडियस से दिया जाता है, मोहर सर्किल की रेडियस, तो टाउ मैक्स निकाल देंगे आप, दैट इज 65 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन।